फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ज़ाइमन है। हम वहाँ जा रहे हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स शो होता है। हाउ यू से हेलो इन चाइनीज? हाय, नी हाओ। तो गाइज ये मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ यहाँ की। तो इनको प्रोडक्शन फास्ट रखनी पड़ती है अपनी, मतलब इनको जब तक ये आगे नहीं मूव करती इनको एक ट्रेडमिल का काम फिनिश करना है। तो वैरायटी तो खूब है बट हर प्रोडक्ट काम का नहीं होता। हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक व्लॉग्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे, तो गाइस मैं खड़ा हूँ टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। 4-5 घंटे बाद फ्लाइट है, अभी थोड़ा जल्दी आ गए हम, और पूरी जर्नी आदित्य भाई मेरे साथ रहेंगे। बड़ा कुछ आने वाला है इस ब्लॉग सीरीज में। तो फाइनली गाइस चेक इन हो गया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ना बहुत भीड़ होती है, तो कभी भी आपको बाहर जाना है ना, तो मेरी सलाह है आप 4 घंटे का कम से कम टाइम लेके चलो। तो तकरीबन 7 घंटे की वेटिंग के बाद ना फ्लाइट लेट उठी गई, अब जाके बोर्डिंग हो गया। बाकी ये कि नींद पूरी आ गई, क्यों बारी है। तो हमारा प्लेन अब टेक ऑफ की तैयारी पर, इसमें भी कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट जो टायर होते हैं उसका भी व्यू देख सकते हो। ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। अमेजिंग व्यू। बस अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। 12 बजे हमने टेक ऑफ करी गई, तो आपको अब 6 बज गए से देखे, तो प्रीत को बड़ी मुश्किल से जगाया मैंने। अभी एयर होस्टेस ने आगे ना ऐसे गालों पे हाथ फेर के जगाया, प्लीज सूट जाइए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बड़ी प्यारी सी ये एयरपोर्ट है, चारों तरफ या तो पहाड़ है या समंदर है। तो गाइज मैं आ गया हूँ हांगकांग एयरपोर्ट पे। बड़ी प्यारी सी एयरपोर्ट है, बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है और सभी तरह के आउटलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक्चुअली हांगकांग हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ज़ाइमन है। हम वहाँ जा रहे हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स शो होता है, जहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स का जितनी भी फैक्ट्रीज हैं चाइना में जो डिस्प्ले करती हैं। हमारी फ़्लाइट 11 घंटे डिले हो गई है, तो थकान पहले ही बहुत थी, बट चलो कोई बात नहीं, हर सरकमस्टांस के लिए बंदे को तैयार रहना चाहिए। आदित्य भाई समस्या ये है, हम 11 घंटे करेंगे। सर 2-4 ऑप्शंस है, एक हम मूवी देख सकते हैं, मूवी पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में होगी, एक हम लोगों को देख लोगों को देख सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है ना, लोगों को ताड़ते रहो किसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। समझ रहे हो ना, ऐसी आपके साथ सिचुएशन हो जाए। हांगकांग एयरपोर्ट पे है, अभी मैं कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करने वाला हूँ और जो जो चीजें अच्छी लगेंगी। लाउंज पता किया था हमने 3 लोग 5 घंटे का, 30,000 रुपये का बन रहा। 30,000 का लाउंज आप ले सकते हो 5 घंटे का। तो अभी देखते हैं कोई ऑप्शन मिले है ना, फिर उसके बाद आपको अपडेट करते रहेंगे। 3 hours later. तो यार ऐसा है कि बहुत बुरे फंस गए हम यहाँ पे ना। पहले तो आप आदित्य भाई की हालत देख लो, हम बैठे गए, आपको पता लग जाएगा जमीन पे बैठे हैं। तो हम जमीन पे कारपेट पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि 3 घंटे से हमने पूरी एयरपोर्ट देख ली, कोई स्लीपिंग लाउंज नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई कैबिन नहीं है जो आर्ली बेसिस पे मिल जाए, सिर्फ लाउंज है। और लाउंज में भी एंट्री 3 घंटे पहले है आपकी फ्लाइट से, तो विच मीन्स हमारे पास कोई रेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो हमने बेटर समझा कि जहाँ रास्ता है, जहाँ थोड़ी सी जगह है वहाँ भी लेट जाओ। बट यार बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखा कोई लेटा भी नहीं हुआ, कोई रेस्ट भी नहीं कर रहा हुआ। बट हौसले बुलंद है, कोई बात नहीं, ये टाइम भी टप जाएगा, 5-6 घंटे की बात और रह गई। क्यों आदित्य हो रहा है रेस्ट? हौसले बुलंद। One eternity later. हाँ जी, हो गई नींद पूरी? इतनी मुश्किल के बाद ना, मतलब इतनी बड़ी एयरपोर्ट है, 500 गेट है, 500, और मुश्किल से रिक्लाइनर ना ढूंढ के 7-8 सीट्स थी मुश्किल से, तो तब जाके थोड़ा रेस्ट हुआ है। अब जान में जान आई है, ठीक है कॉफ़ी ढूंढते हैं बढ़िया से। अभी मैंने यहाँ पे स्टारबक्स की ये कॉफ़ी ली है, एक तो ये कॉफ़ी नहीं मिली, कॉफ़ी का मग मिल गया, इतना बड़ा है ना जो 3 लोग पी सकते हैं हॉट कॉफ़ी, इतना बड़ा कभी मैंने मग ना पिया नहीं। कॉस्टिंग इसकी थी तकरीबन हांगकांग की जो करेंसी है अप्रॉक्स $46 हांगकांग करेंसी, तो इंडियन में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 500 रुपीज़ की कॉफ़ी हो गई है। बट अगर आप कभी चाइना आए ना, तो चाइना की करेंसी अलग है, हांगकांग की करेंसी अलग है। फूड में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है यार, अगर आप आ रहे हो, इतनी स्मेल आती है ना इनका, अलग है सिस्टम थोड़ा ऑयल वगैरह का, तो ये अपने को सूट नहीं करता। तो आप जब भी आएँ तो अपने फूड का ध्यान रखें, कुछ घर से लेके आएँ या कुछ पैक्ड फूड ऐसे लेके आएँ रेडी टू ईट वाले ना, जो थोड़ा गर्म करके रेडी हो जाए। और हमने एक और तरीका ढूंढा यहाँ पर हांगकांग एयरपोर्ट पर टाइम पास करने का तरीका, तो यहाँ पे आप ये वीडियो गेम खेल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मोशन सेंसिंग है ना। कुछ समझ नहीं आया मुझे, क्या फ्लाई कर रहे हो इसमें? ये क्या है?
हाँ जी, अब तो भैया वीडियो गेम भी खेल के सब जगह घूम के बोर हो गए, क्या करा जाए, कहाँ जाया जाए? अब ना जितने मैंने पता करा, इधर ना एक वो है स्काई बार ओपन लाउंज। अच्छा, तो अब ओपन लाउंज चलते हैं। 24 घंटे हो गए यार एसी में ही है हम कल से। सही बात, ताजी हवा खाने का दिल कर रहा है, है ना। तो भाइयों अब आ गए हैं स्काई गार्डन में, बट एक्चुअल में ये स्मोकिंग जोन है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं बस स्मोकिंग स्मोकिंग चल रही है और कुछ नहीं है इधर। और यहाँ बारिश का मौसम पूरा जबरदस्त तरीके से हो रही है और हम अब बाय बाय कर रहे हैं हांगकांग को। तकरीबन 11 घंटे एयरपोर्ट पे वेट करा, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, फिर एक और हुई और अब फाइनली टेक ऑफ कर रहे हैं ज़ायमन के लिए जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो मैं फाइनली एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, अब हम बैठ गए हैं कार में। तो गाइज ये यहाँ की सड़कें हैं, कुछ कुछ इंडिया जैसा है, कुछ कुछ इंडिया से बेटर भी है कई जगह पे। ग्रीनरी बड़ी अच्छी है, ट्रैफिक कोई ज़्यादा तो नहीं लगा अभी तक, और इंग्लिश बहुत कम जगह लिखी है बस मेन, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पे कुछ जो भी मेंशन है जितने भी साइन बोर्ड्स हैं मोस्टली सब जगह यहाँ चाइनीज़ ही होती है। तो जब भी आप यहाँ आएँ, अगर आपके साथ यहाँ पे ट्रांसलेटर है कोई या कोई नोन है तो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप ये बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो टॉप पे ब्रांडिंग दिख रही है ये सब चाइनीज़ में है। सामने जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लिखा हुआ, ये सब चाइनीज़ में है। तो आप देखो ये अपनी लोकल लैंग्वेज को इतना प्रमोट करते हैं और फिर भी पूरे वर्ल्ड में ये लोग सप्लाई करते हैं, पूरे वर्ल्ड से बाहर इनके पास आता है। तो अपनी लैंग्वेज के ऊपर ना प्राउड होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ग्रो करना है अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को। जब तक हम अपनी लैंग्वेज और कल्चर पर प्राउड नहीं फील करेंगे ना, तब तक हम दुनिया में सबसे आगे नहीं निकल सकते। बात तो सही है। तो गाइस ये वाला हमारा होटल है, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। 2 दिन यार एयरपोर्ट पे बिताए हैं, थकान हो रखी है बुरी तरह, तो होटल को देख के तो दिल खुश हो गया। बाकी अंदर देखेंगे कैसी फैसिलिटीज़ होंगी। सो दीज आर द 2 ब्यूटीफुल लेडीज़ जो हमें यहाँ तक लेके आई, तो थोड़ा सा इनसे जानेंगे आगे बारे में। योर नेम प्लीज़। लिलिया। एंड योर नेम? मैक्स। हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ कोविड-19? एवरीथिंग इज़ फाइन हियर नाउ? एवरीथिंग इज़ गोइंग और देयर इज़ सम काइंड ऑफ लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट फ्लिंग्स? व्हाट? नाउ? नो, देयर इज़ नो लॉकडाउन फॉर नाउ, एवरीथिंग इज़ ओपन। चलिए, बिजनेस इज़ आल्सो गोइंग गुड? तो गाइज ये कल हमें अपनी फैक्ट्री दिखाने वाली है एंड इनके यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट ट्रेडमिल्स बनती हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर रहेगा। ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो। तो यार रूम जो मिला है ना, बड़ा ज़बरदस्त 5-स्टार कैटेगरी का रूम है ये, 22nd फ्लोर पे है। मतलब रूम में आके ना सारी थकान उतर गई हमारी। ये ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। ये जो रूम है तकरीबन 10,000 का बुक हुआ है, बट चाइना में ना होटल सस्ते हैं क्योंकि अभी क्या है यहाँ पर जो स्पोर्ट्स शो है उस करके थोड़ी डिमांड बढ़ गई है रूम्स की। अदरवाइज ये होटल में रूम 5,000 तक में मिल जाता है, बट 5,000 क्या, मुझे तो 10,000 में भी वर्थ लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छे एम्बियंस हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एक एक चीज परफेक्ट है इस रूम में। अब पहले सबसे पहला काम जो मैं करूँगा नहाऊंगा। अब आपको कल मॉर्निंग में मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। फिर रात को नींद ऐसी आई ना, मतलब 12 बजे हम सोए थे और क्यों इतने सुबह 8 बजे तक हमारी आँख नहीं खुल रही थी। 2 दिन से हमारी थकान नहीं पूरी हुई थी। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ही हम खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑमलेट और ये कर्ड वगैरह, बाकी चीज़ें तो कुछ समझ नहीं आई। गाइस हम बैठ गए हैं साथ में और ये हमारे गौरव भैया, मेरे बहुत खास दोस्त। और गौरव भैया का ना चाइना में आना जाना लगा रहता है और ये बहुत टाइम से इम्पोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। तो आप जब भी यहाँ आए ना, तो ऐसा एक पर्सन चाहिए होता है साथ में ना, जो हर चीज़ गाइड कर सके और आपको बता सके, क्योंकि यहाँ के सब तौर तरीके अलग हैं। तो गौरव भैया अब हम कहाँ विजिट पे जाने वाले हैं? अब हम एक फैक्ट्री विजिट जाएंगे जो कि ट्रेडमिल्स की और एक्सरसाइज बाइक्स की फैक्ट्री है, काफ़ी अच्छी फैक्ट्री है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो इनका नाम काफ़ी सुना है, तो लेट्स सी जाके देखते हैं क्या होता है हंगामा। तो गौरव भैया का स्पोर्ट्स गुड्स का काफ़ी अच्छा काम है जलंधर में और काफ़ी ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूँ, हमारा ना आईपीएल मैच देखने का बहुत दिल था, तो हमने यहाँ पे किससे पूछा जो पर्सन आए हुए थे कि हमें क्रिकेट मैच देखना है, तो एक्चुअली यहाँ पे ना क्रिकेट मैच वगैरह आता नहीं है टीवी पे, तो उनको पहले तो समझ ही नहीं आया क्रिकेट मैच है क्या। फिर मैंने ना उनको वीडियो दिखाई कि क्रिकेट मैच ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला बैंचो। मैं कह यार ये क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट को ना बैंचो कहते हैं। अब आप इंडिया में मत किसी को बोलना क्रिकेट में ना कि चलो आओ बैंचो खेलते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सो गाइज ये विलियम है। William, please tell me something about this city. Xiamen, it's like Xiamen. The city center is like the island.
So now we are driving out of the island. Okay. तो गाइस ये आ गया फ्लाईओवर ब्रिज है सारा समुद्र के ऊपर पहले टनल में से हम निकले अब ब्रिज के ऊपर आ गए हैं. Here we have five district like inside the Xiamen city center there was two district and outside the Xiamen island it's like three district. Okay. Our factory is inside the outside the Xiamen island. तो ये आगे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये आप देख सकते हो एंड दिस इज मॉल मॉल या ओके विलियम या व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स योर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर वी हैव अ बिग रेंज प्रोडक्ट्स बिग रेंज ओके लाइक वी डू बोथ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ आल्सो एंड आल्सो फॉर होम फिटनेस एंड फॉर कमर्शियल रेंज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर लुकिंग फॉर वी कैन प्रोड्यूस ओके And you supply in how many countries? A lot. A lot? Yeah. So now, till now, we supply to more than 100 countries. 100 countries? Yeah. That's huge. Still, Europe is our main market. Euro, US. But also, we are doing good in India market. Okay. It's also our very important market right now. So guys, इन्होंने बताया कि यूरोप में इनकी सबसे ज़्यादा supply है. William ने जो बताया. और उसके बाद ये इनकी ज़्यादा सप्लाई इंडिया में भी बहुत अच्छी मार्केट को कंसिडर करते हैं जो इंडिया में ये सप्लाई करते हैं ये यहाँ पे ये वाली स्कूटी चलती है और ये एरिया थोड़ा थोड़ा अपने इंडिया जैसे ही लग रहा है ये तरबूज की रेडी जैसे हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो यहाँ पे स्कूटी वाले थोड़ा सा जेब्रा क्रॉसिंग में आगे खड़े हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो चलता है इधर भी है ना तो गाइज़ ये मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ यहाँ की ये फैक्ट्री है सारी जहाँ पे हम आज विजिट करेंगे तो ये है फैक्ट्री का सारा नक्शा दिस ओल्ड फैक्ट्री हाउ मेनी इयर्स ओल्ड दिस वन सिंस 2008 एंड दिस वन 2014 ओके वेरी नाइस इट इज दिस फैक्ट्री स्टिल ऑपरेशनल और क्लोज स्टिल ओपनिंग ओके जस्ट वी हैव सेपरेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर द टू फैक्ट्रीज ओके वेरी नाइस हाई एंड प्रोडक्ट्स हियर तो ये फैक्ट्री का है रिसेप्शन एरिया फैक्ट्री से ज़्यादा ये होटल का रिसेप्शन एरिया लग रहा है गाइस ये प्रोडक्शन एरिया है और यहाँ से फैक्ट्री आप कह लो कि अब स्टार्ट होएगी जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो ये सारा पाउडर कोटिंग प्लांट है और ये कन्वेयर बेल्ट से माल सारा अंदर जाता है ये पेंट प्रोसेस में जा रहा है ये आप देख रहे हैं बेल्ट में उतर रही है अंदर और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सारा फर्नेस है और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ फैक्ट्री में फीमेल्स वर्क करती हैं और बड़े डेडिकेटेडली वर्क करती हैं मेल भी करते हैं और ये पाउडर कोटिंग प्लांट है यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर गन बैरल मैस ये ऑटोमेटिक गन्स हैं पाउडर कोटिंग किससे हो रही है तो यहाँ पे जो सिस्टम है ये आप देख सकते हो ये सारा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू चलता है तो यहाँ पे ना मुझे ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा क्वालिटी चेक का तो अगर आप ध्यान दोगे ना ये सिक्स के चीज़ कन्वेयर बेल्ट पे ना मूव करती हैं तो इनको प्रोडक्शन फास्ट रखनी पड़ती है अपनी तभी काम हो पाता है मतलब इनको जब तक ये आगे नहीं मूव करती इनको एक ट्रेडमिल का काम फिनिश करना है और सेम चीज़ इधर भी है जैसे यहाँ भी ट्रेडमिल पैक हो रही हैं बन रही हैं तो ये भी हल्के हल्के कुछ कुछ सेकेंड पर मूव करती हैं सो इनको हर सेकेंड के हिसाब से जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं हर सेकंड के हिसाब से कितने फास्ट ये काम कर रहे हैं जो रिकॉम ब्रांड है वो भी अपनी जो ट्रेडमिल है यहीं से मैन्युफैक्चर कराता है चाइना से तो इसका माल ये बन रहा है तो गाइस मैं ना कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक चीज़ दिखाऊँ कि चाइना का प्रोडक्शन का लेवल क्या है क्या प्रोफेशनलिज्म है कैसे ये लोग काम करते हैं और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और आप लोगों को भी बहुत एक्सपोजर मिल रहा होगा है ना तो एक मोटिवेशन है ये कि हमें भी एक दिन ऐसा करना है और इनसे भी अच्छा काम हमें करके दिखाना है इंडिया में तो ये हम एक्सपीरियंस लेने के यहाँ पे आए हैं और जो चीज़ अच्छी लगेगी यहाँ से परचेज भी करेंगे आप लोगों तक भी अवेलेबल कराएंगे और मेरा मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी प्रोडक्ट अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस में आए वो मैं पर्सनली चेक करूँ एक एक चीज़ R&D करूँ तो प्रोडक्ट में कभी कंप्लेंट ना आए क्योंकि यहाँ पे हर तरह का माल बनता है और ज़रूरी नहीं है कि हर माल उतना ही अच्छा होगा तो ये हमारा मेन पर्पज़ है यहाँ पे चेक करने का एक एक चीज़ पीछे दिखाया था कि रीबॉक का ट्रेडमिल यहाँ बन रहा है और ये एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं रशिया तो हमें क्या लगता था कि चाइना से ना सिर्फ इंडिया ही खरीदता है बट ऐसा नहीं है तो ये सारा आप देख सकते हो ये रशिया के लिए पैक हो रहा है तो यहाँ पे शोर तो बहुत है बट मैं आपको ये फैक्ट्री का व्यू दिखा रहा हूँ
ये सारी पाइप का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये भी रोबोटिक लेजर है, ये रोबोटिक लेजर मशीन है। ये देखो ये पाइप को कट कर रही है। तो ये है असेंबलिंग एरिया जो स्टॉक बन के असेंबल होके यहाँ पर आता है। ये आप देख सकते हो स्टेयर मास्टर, यहाँ पर ये सब क्वालिटी चेक करते हैं। ये जो पैकिंग कर रहे हैं इनकी बेल्ट चलती जा रही है, तो ये जैसे जैसे पैकिंग करके ये प्रोडक्ट आगे मूव करेगा तो इनके पास लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम में इनको पैकिंग कंप्लीट करनी है, नहीं तो बेल्ट आगे जाती रहती है। तो ये सारा डिस्पैच एरिया है, यहाँ पर ये आप कंटेनर्स देख सकते हो खड़े हुए, और ये कंटेनर्स की नंबरिंग हुई भी ऊपर 27, 26। तो तकरीबन यहाँ पे एक टाइम पे 27 कंटेनर्स तक लोड हो जाते हैं। तो गाइज ये है सारा डिस्प्ले एरिया, तो मैं यहाँ के सारे क्रॉस टेनर्स वगैरह हर चीज़ को चेक कर रहा हूँ कि मूवमेंट कैसी है, और जो भी अच्छी लेटेस्ट चीज़ दिख रही है उस पर एक एक चीज़ के बारे में आरएनडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं ये होम सेगमेंट की स्पेशलाइज है ज़्यादा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैरायटी ऑप्शंस कार्डियो में स्पेशली अवेलेबल है। तो ये हम एक एक प्रोडक्ट को यहाँ पे रिसर्च करेंगे, बातचीत करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग और होम यूज़ में सुटेबल रहेगा। मतलब इतने प्रोडक्ट हैं कि हमारे लिए खुद डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन सा बेटर है चूज़ करना। तो गाइस हमने यहाँ पर बहुत रिसर्च करने के बाद ये साइकिल फाइनल करी, क्योंकि ये मुझे लगा कि हमारी इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगी, क्योंकि ये साइकिल ऐसी, इसकी बनावट ऐसी है कि ये हर बंदा यूज़ कर सकता है, चाहे आप यंग हैं, आपकी एज कम है 18 साल 15 साल एज है, या आपके घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं 50-60 ईयर्स उनकी एज है, ये सबके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगी। प्राइस तो मैं एग्जैक्ट क्या पड़ेगा मैं आपको फ्यूचर में रिवील कर दूंगा, बट आप मान के चलिए कहीं ना कहीं ये हमारे को कॉस्ट करेगी 10-12 हज़ार के। तो 10-12 हज़ार के बीच में अगर आपको अपने घर के लिए साइकिल चाहिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैक सपोर्ट, क्योंकि घर में जब आपके पेरेंट्स वर्कआउट करते हैं या साइकिल चलाते हैं या आपके दादा दादी चलाना चाहते हैं तो इसकी जो बैक सपोर्ट है बहुत कामयाब है, और बैक सपोर्ट वाली जितनी भी रिकमेंड साइकिल्स आती हैं आपको पता है 18-20 हज़ार से वो स्टार्ट होती है, तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई है, और उसमें क्या होता है आपकी फीट और नीज भी सामने की तरफ रहते हैं तो उसमें आप बहुत फास्ट चला नहीं सकते, तो यंगस्टर उस साइकिल को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाएंगे और ये हैंडल से आप बैक सपोर्ट का पूरा यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको फास्ट मूवमेंट चलानी है तो आप सामने इनके ये होल्ड करके आप फास्ट मूवमेंट भी चला सकते हैं साइकिल को, और मूवमेंट इस साइकिल की बहुत अच्छी है, मैग्नेटिक मूवमेंट है सारी, और यहाँ से आप इसकी रेजिस्टेंस प्लस माइनस कर सकते हैं जितनी आपको अपने हिसाब से चाहिए, और सामने ना इसका कंसोल भी है तो यहाँ पे आपको स्पीड डिस्टेंस कैलोरीज और आपकी पल्स सब लिखी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट साइकिल ही होम यूज़ के लिए रहेगी। तो अगर आपको साइकिल अच्छी लग रही है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना, और भी क्या प्रोडक्ट्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए वो भी बताना। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है, जल्द ही स्टॉक में आ जाएगी, तो अगर आप प्री बुक भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पे डिस्प्ले की ग्लिम्स दिखाते हैं, तो वैरायटी तो खूब है बट हर प्रोडक्ट काम का नहीं होता, मतलब कई में कुछ फॉल्ट होते हैं वो बड़ी बारीकी से देखने पड़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अच्छा होगा। देखने में चीज़ें शोरूम में तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एम्पल वैरायटी है, एम्पल मतलब वैरायटी में और प्रोडक्शन में ये लोग मास्टर हैं, बट अब यही सिलेक्शन चल रहा है कि कौन सी चीज़ ड्यूरेबल है कौन सी नहीं है। आदित्य कमर्शियल सेगमेंट में तो हमें ज़्यादा चीज़ें या कुछ समझ नहीं आई, है ना, होम यूज़ अच्छा था इनका, होम यूज़ की वैरायटी तो यहाँ ऑसम थी, होम यूज़ की तो मैं कहता हूँ कि इतनी वैरायटी थी ना कि एक बार तो हम कंफ्यूज ही हो गए कि यार हमें लेना क्या है, हम देखने क्या आए हैं। वैरायटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत बहुत ह्यूज थी। हाँ, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे मैं KFC से ऑर्डर करा, बट KFC यहाँ पे आपको कभी आओ तो सुटेबल रहेगा क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल मैचिंग था। और एक प्रॉब्लम आएगी, वेजिटेरियन बर्गर नहीं मिलता, वेजिटेरियन बर्गर आदित्य को तो सिर्फ बर्गर में हमें वेजिटेबल्स वेजिटेबल और मेयोनीज। थैंक यू विलियम, यू हेल्प्ड अस अ लॉट एंड यू वर वेरी काइंड फॉर एवरी इंफॉर्मेशन यू गिवन टू अस, थैंक यू। थैंक यू बेसिकली। तो अभी हमने एक फैक्ट्री और विजिट करी बट वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस फैक्ट्री की पॉलिसी थी कि वीडियो शूट अलाउड नहीं है, तो बट मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता देता हूँ।
ये फैक्ट्री भी स्पेशलाइज थी कार्डियो में और हमने कुछ ट्रेडमिल्स इनकी देखी है, बट वहाँ पे हमें ज़्यादा स्टॉक ना डिस्प्ले में दिख नहीं पाया। रीज़न क्या था कि उनको कल हमारे जिस एक्सपो पे हमने जाना है तो उन्होंने जो उनका बेस्ट स्टॉक था ना वो सारा उन्होंने एक्सपो के लिए रख लिया, तो अब वहाँ पे एक्सपोजर हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा। बट फैक्ट्री देख के हमने ये तसल्ली कर ली कि हाँ बड़ी रिप्यूटेड अच्छी फैक्ट्री थी और अच्छा इक्विपमेंट बनाती है। रात को हमने एक स्पेशल जगह डिनर पे जाना है जहाँ हम चाइनीज़ फूड खाएंगे। हमें एक्चुअली इनवाइट करा गया है, जो यहाँ पे फैक्ट्री के ओनर है उन्होंने इनवाइट करा है डिनर के लिए। गाइस हम आ चुके हैं अब डिनर करने, तो गाइस मिस्टर अल्फा हु हैज ब्रॉट अस हियर। हाय अल्फा, से हेलो टू माय सब्सक्राइबर्स, से हेलो। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू। एंड हाउ यू से हेलो इन चाइनीज? हाय, नी हाओ। Hi, ni hao. Okay. 下次希望能见到你, hope to see you next time. Okay. तो गाइज मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ पे हमारे को कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, सो सबका इंट्रोडक्शन कराते हैं आपसे। सो योर नेम प्लीज। आई एम राय। एंड यू? आई एम जो। हाय, आई एम डोरिस। हाय, आई एम मेलनी। नाइस टू मीट यू। एंड शी इज द बॉस। रॉबन, रॉबन। शी इज रॉबन। हे रॉबन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Robin means boss. Okay, so she is the boss. This restaurant is quite famous, especially for seafood. So we order some chicken, two different fish with spicy and also some vegetable. So we can come to this part. You can see all the delicious foods over here. All right. And Alpha, everyone knows. He's very famous now in India, everyone knows him. He has been featured 3-4 times in videos. Okay, no problem. तो ड्रिंक्स में बियर आ गई है और ये टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये घूमती जाएगी, ये सबको खाना ऐसे ऐसे मिलता रहता है। आदित्य भाई हैं वेजिटेरियन, तो ये सोच विचार में बड़े परेशान लग रहे हैं। आदित्य को लग रहा है कहाँ फंस गया भाई मैं आज। तो भाई अपने जज्बात थोड़े से जाहिर करो। कोई दिक्कत नहीं, नया यहाँ देखने को मिलेगा कि चाइनीज फूड में क्या क्या वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। तो शायद वो भी आप लोगों को देखने को मिले। मैंने वर्ड यूज किया है शायद, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। No drink, because we are warning. You know, really? Women don't drink in China. Lopan. Lopan is different. Kone look. तो एक बात मैं आपको और बताऊं, इनके यहाँ रिवाज है ड्रिंक करने का मील के बाद, मतलब खाना खाने के बाद ड्रिंक करते हैं। तो हमने कहा हम तो भाई खाना खाने से पहले ड्रिंक लेंगे, तो ये जैसे आदित्य भाई थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसे ये भी फंसे हुए महसूस कर रहे हैं कि आज इनको खाना खाने से पहले ड्रिंक करनी पड़ रही है। तो सब एक दूसरे के हिसाब से पूरा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल पूरा मस्त बना हुआ है यहाँ पे। तो भैया पहले तो ये स्टिक्स यूज कर रहे थे है ना, बट फिर इन्हें डोंगा उठा के ना पलट ही लिया। तो आदित्य भाई क्या खा के आ रहे हो आप? खीरा कह रहे हैं। खा के दिखाना खीरा। ये उठाएंगे? उठाओ ना, देखो सिक्को इसमें है क्या। तुम भाई हाथ से ही खा ले, इससे बढ़िया। खाएंगे तो इसलिए खाएंगे। चल एक बार खा के दिखा दे। नॉट पॉसिबल भाई, सही नहीं उठ रहा। आ गया, वेरी गुड। सो मेलोडी, दिस इज चिकन, दिस इज टोफू, दिस इज Now we leave from here. Thank you for the wonderful dinner, everyone. Thank you for our customer coming. That's our honor. Welcome. For spend money. Sure. Thank you, Rehan, for being so kind. Thank you. You're welcome. Next time, Taiwan. Okay, for sure. आपको मैं सारा एग्जीबिशन कवर करके दिखाऊंगा, बहुत एक्साइटिंग है, बड़े नए इक्विपमेंट आ रखे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्पिनिंग स्टूडियो का कॉन्सेप्ट, और ये अब देखो साइकिल,
ये भी आउटडोर साइकिल है और एक सामने बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है, इसका नाम है न्यू वर्ल्ड एम्पोरियम। आदित्य वेज ऑप्शन चुनता हुआ डिस्कस करते हुआ